हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न फ्रॉम होम। माय सेल्फ मिस्टर वैभव सर, एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इंग्लिश बाल भारती स्टैंडर्ड 4, एंड हियर इज द लेसन नंबर 4, योर ओन बुक ऑफ साइंस, आपकी अपनी विज्ञान की बुक या फिर किताब। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई वुड लाइक टू से इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियोज। ओके, नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर लेसन। You may come across simple but amazing science experiments in magazine, newspaper supplements or on the internet. आप लोगों ने देखे होंगे, पढ़ा होगा, simple experiments means जो simple से experiments से प्रयोग है, amazing science experiments means बहुत ही आश्चर्यजनक ऐसे प्रयोग विज्ञान के, कहाँ पे देखे होंगे, magazine पत्रिका जो होती है, newspaper supplements समाचार पत्र की जो पत्रिकाएं होती है उनमें, और द इंटरनेट या फिर इंटरनेट पे आपने ऐसे बहुत सारे विज्ञान के प्रयोग देखे होंगे। कल आपको जो 5 या 8 एक्सपेरिमेंट्स कलेक्ट करने हैं, एक्सपेरिमेंट्स आर सेफ, आपको अपने पापा मम्मी पापा को, पेरेंट्स को, टीचर्स को पूछना है कि ये एक्सपेरिमेंट्स आपके लिए सेफ है या हार्मफुल है। अगर सेफ़ है तो ही ये एक्सपेरिमेंट आप लोगों को करने हैं, हार्मफुल एक्सपेरिमेंट आप लोगों को करने नहीं हैं। देन कैरी आउट द एक्सपेरिमेंट्स, फिर आप लोगों, अगर ये एक्सपेरिमेंट आपके लिए सेफ़ है, सुरक्षित है, तो आप इनको अपने घर पर कर सकते हो। इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरत पड़े, टेक द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स, टीचर्स, अगर ज़रूरत पड़ती है तो अपने पेरेंट्स की या फिर टीचर्स की मदद लीजिए। रिकॉर्ड द एक्सपेरिमेंट्स ऑन सेपरेट शीट इन योर ओन बुक ऑफ साइंस, आपका जो साइंस की बुक है आपको बनानी है, जो स्कूल की साइंस बुक नहीं, एक छोटी सी प्रोजेक्ट टाइप की जो बुक्स होती है उसमें साइंस बुक ऑफ साइंस का नाम देना है उसे, और उसमें ये सारे जो प्रयोग आप करते हो, एक्सपेरिमेंट जो करते हो, उसके रिकॉर्ड्स, उसकी जो सारे एक्सपेरिमेंट के जो रिकॉर्ड्स है आप लोगों को दर्ज करने हैं। ओके, एन एग्जाम्पल इज़ गिवन बिलो, वैसा ही एक सिंपल एक्सपेरिमेंट यहाँ पर दिया हुआ है जो बिल्कुल सेफ है और आप घर पर कर सकते हो। सो स्टार्ट। ए सिंपल एक्सपेरिमेंट लिफ्टिंग आइस, एक साधारण प्रयोग, लिफ्टिंग आइस, बर्फ़ को उठाना। सो बर्फ़ को कैसे उठाना है, इफ़ यू वॉन्टेड टू लिफ्ट आइस विदाउट टचिंग इट, बर्फ़ को अगर बिना हाथ लगाए आपको उठाना है तो आप कैसे उठाओगे, वाट डू यू डू, तो आप उसके लिए क्या करोगे, रीड ऑन टू फाइंड आउट, अगर आप बिना हाथ लगाए बर्फ़ को कैसे उठाना है तो आपको नीचे दी गई एक्सपेरिमेंट है वो पढ़ना पड़ेगा। सो वॉट यू नीड, तो उसके लिए आप लोगों को क्या क्या चाहिए, आइस क्यूब्स, यहाँ पे दिख रहा है आपको आइस क्यूब्स, आफ्टर दैट थ्रेड, धागा, एंड कॉमन सॉल्ट, खाने में जो नमक यूज़ करते हैं वो नमक। ओके, नाउ वॉट यू डू, आप लोगों को करना क्या है, प्लेस एन आइस क्यूब इन अ डिश, यहाँ पे डिश में जैसे आइस क्यूब रखा हुआ है वैसे आप लोगों को आइस क्यूब एक डिश में रखना है। प्लेस अ पीस ऑफ थ्रेड ऑन इट, और इस बर्फ के ऊपर ये जो थ्रेड है इसका एक कोना या फिर बीच में यहाँ पे आप ऐसे थ्रेड रख सकते हो, या फिर एक कोना भी आप थ्रेड का ऐसा रख सकते हो इसके ऊपर। ओके, नाउ नेक्स्ट, स्प्रिंकल सम कॉमन सॉल्ट ऑन, और थोड़ा सा उस धागे के ऊपर जहाँ पे धागा और बर्फ टच होता है वहाँ पे आप लोगों को जो कॉमन सॉल्ट होता है खाने का नमक वो स्प्रेड करना है, एंड नियर द थ्रेड ऑन द आइस क्यूब, जहाँ पे आइस क्यूब और थ्रेड टच हो रहा है वहाँ पे ये नमक जो है आपको स्प्रेड करना है। वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड, फिर थोड़े समय के लिए उसको वैसे ही रहने देना है। होल्ड द टू एंड्स ऑफ द थ्रेड एंड पिक देम अप केयरफुली, फिर जो हमारा धागा है, जो थ्रेड है, उसके दोनों एंड को पकड़ के, दोनों छोर को पकड़ के आपको ऊपर उठाना है, तो आपको क्या दिखेगा, सो आप लोगों को दिखेगा कि आपका जो बर्फ़ का टुकड़ा है वो इस तरह से यहाँ पे इस पिक्चर में जैसे, यहाँ पे इस पिक्चर में जैसे वो बर्फ़ का टुकड़ा धागे को चिपक गया है, वैसे ही रियल में भी वो चिपकेगा और आप बिना टच किए बर्फ़ के टुकड़े को ऊपर उठा सकोगे, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो। ठीक है,
ट्राई प्लेसिंग द थ्रेड इन अ डिफरेंट वे टू लिफ्ट द आइस। आपने अगर कोने में लगाया हुआ है, यहाँ पे देखो इसने एक कोना फिक्स किया है बर्फ़ के टुकड़े को, तो आप ऐसे में भी उस बर्फ़ के टुकड़े को एक कोने से दूसरे कोने तक उठा सकते हो। यू कैन प्लेस जस्ट वन एंड ऑफ द थ्रेड ऑन द आइस क्यूब एंड लिफ्ट द आइस विद द अदर एंड। एक कोना बर्फ़ के ऊपर रख के उसके ऊपर मीट डाल के उसको चिपका के दूसरे कोने आप उठा के बर्फ़ को लिफ्ट कर सकते हो। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। पजल्स इन योर सराउंडिंग। सराउंडिंग्स मीन्स आजू बाजू। पजल मीन्स पहेलिया। ओके, आपके आस पास की पहेलिया। वाई डज इट हेल इवन इन अ समर। हेल मीन्स ओले, बर्फ़ के टुकड़े जो गिरते हैं पानी के साथ उसे हेल कहा जाता है, ओले कहा जाता है। ओके, वाई डज इट हेल इवन इन समर। गर्मी के मौसम में ओले क्यों गिरते हैं? सो उसका साइंटिफिक रीज़न क्या है वो हम इस लेसन में देखने वाले हैं। ओके, वी फील वेरी हॉट इन अ समर। गर्मी के मौसम में हम कैसा महसूस करते हैं? बहुत ही गर्म महसूस करते हैं ना। द सन शाइन्स ब्राइटली। सूरज जो होता है तेज़ धूप तकती है सूरज की। एंड द टेम्परेचर इज़ हाई, और तापमान जो होता है वो बहुत ही बढ़ जाता है। एंड देन सडनली, तभी अचानक, देर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादल छा जाते हैं। एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग, और सडनली अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। नॉट जस्ट वाटर, बारिश कैसी होती है, सिर्फ पानी ही नहीं होता है, बट इवन अ स्मॉल बॉल ऑफ आइस, उस पानी के साथ साथ छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े भी गिरते हैं। वी से इट हैज़ स्टार्टेड हेलिंग, हम उसे कहते हैं ओले गिर रहे हैं। हेलिंग, हेलिंग मीन्स ओले गिरना। द स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस आर कॉल्ड हेल स्टोन्स, वो जो बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसे हेल स्टोन कहा जाता है, बर्फ़ के टुकड़े कहा जाता है, ओले कहा जाता है। वाई डज इट हेल इन द हॉट समर सीजन, गर्मी के मौसम में ये ओले क्यों गिरते हैं? तो ये हम देखेंगे अभी। एज वी मूव अप फ्रॉम द लैंड, जैसे जैसे हम ज़मीन के ऊपर जाते हैं आसमान की तरफ, द टेम्परेचर बिगिन्स टू फॉल, तो तापमान क्या होता है, गिरने लगता है, कम होने लगता है। अप इन द स्काई, ऊपर आकाश में, इट इज़ वेरी कोल्ड इवन इन द हॉट सीजन, गर्मी के मौसम में भी आकाश में क्लाइमेट कैसा होता है, बहुत ही ठंडा होता है। यू नो दैट देर आर वाटर पार्टिकल्स, आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पे ऊपर क्या होते हैं, पानी के छोटे छोटे कण होते हैं, पार्टिकल मीन्स कण। इन द क्लाउड्स, जो बादल होते हैं उनमें पानी के छोटे छोटे कण होते हैं। दैट वी सी इन द क्लाउड्स, सॉरी, दैट वी सी इन द स्काई, जो आकाश में हम बादल देखते हैं उन बादलों में क्या होते हैं, पानी के छोटे छोटे कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। वेरी हाई अप इन द स्काई, आकाश में बहुत ऊँचाई पर, द वाटर पार्टिकल्स इन द क्लाउड्स टर्न इन टू लिटिल बिट्स ऑफ आइस। सो ऊँचे आकाश में क्या होता है, ये जो बादलों में छोटे छोटे पानी के जो कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, वो किस में बदल जाते हैं, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं। क्यों बदल जाते हैं? क्योंकि ऊपर आसमान में बहुत ही क्लाइमेट जो है, जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ठंडा होता है, इसलिए वो पानी के पार्टिकल्स बर्फ़ में बदल जाते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, देर आर स्ट्रॉन्ग विंड्स इन द क्लाउड्स, तभी कभी कभी क्या होता है कि बादलों में बहुत ज़ोरों की हवा चलती है। दे पुश दिस लिटल बिट्स ऑफ आइस अपवर्ड्स, तो वो हवा क्या करती है, बादलों के अंदर जो छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े हैं उनको ऊपर ढकेलती है। सो इसलिए दे डू नॉट फॉल टू द ग्राउंड, सो बर्फ़ के टुकड़ों को ऊपर ढकलने की वजह से वो बर्फ़ के टुकड़े नीचे नहीं गिरते हैं। दे गो अप, वो ऊपर जाते हैं, एंड कलेक्ट मोर वाटर पार्टिकल्स। सो अभी हमने जैसे देखा कि ऊपर ऊपर टेम्परेचर कैसा होता है, बहुत ही कूल होता है, ठंडा होता है, तो वो बर्फ़ के टुकड़े हवा की वजह से ऊपर जाते हैं और दूसरे पानी के पार्टिकल्स जो होते हैं, कण जो होते हैं, वो कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं।